आज का वचन शुरू करने से पहले मैं एक परमेश्वर की आज्ञा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं और परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उनको हम सही तरीके से मनन करें। कई बार आप आज्ञाओं को समझते नहीं हैं। हम जब तक आज्ञाओं को नहीं समझेंगे हम उस पर नहीं चल सकते। तो हमें आज्ञाओं को समझना जरूरी है। तो मुझे एक परमेश्वर ने बोझ दिया है कि हर संडे मैं एक आज्ञा को आपको समझाऊं और उसके बाद वचन में हम लोग जाएंगे। हालेलुया। एक आज्ञा, प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 12:30। हालेलुया। ध्यान से इस आज्ञा को समझने की कोशिश करिए। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम कैसे उसके साथ अपने जीवन को बिताएं, वो क्या चाहता है, कैसे हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 12:30। बोलिए बहन जोर से। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, और तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है नए नियम की। हालेलुया। यानी कि ये आज्ञा हमें बताती है कि हमें अपने परमेश्वर को केंद्र बना के रखना है, आधार बना के रखना है, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी शक्ति से। मान लीजिए कहीं आप काम करते हैं, करते ही हैं काम, संसार में जाते हैं। देखिए शैतान का पता क्या मकसद है, आपको किस तरीके से परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। वो आपके जीवन में अच्छा काम लेकर आएगा, आपको अच्छा पढ़ाएगा, आपको अच्छी नौकरी दे देगा और यू आर हैप्पी कि नहीं यार चलो यार, और आप उस नौकरी में इतने ज्यादा रम जाएंगे कि परमेश्वर की कीमत को समझना आपके जीवन में कम हो जाएगा। आपकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, काम। काम गलत, काम करना गलत कहता है क्या, नहीं। काम करना पाप है क्या, नहीं। लेकिन वो काम जो मुझे परमेश्वर से दूर कर दे, हमें वो काम करना है जिसमें हमारा पूरा मन लगे परमेश्वर का, हमें वो धंधा करना है जिसमें हमारी पूरी शक्ति लगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। हमारी बुद्धि का केंद्र बिंदु परमेश्वर होना चाहिए। हमारे काम में जो भी हम काम कर रहे हैं उसका मेन मकसद परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की जो ज्ञान है, उसकी आज्ञा है, वो हमारा जरूरी, हमारी बुद्धि के अनुसार हम करें, वो ना भटके हम। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है। आमेन। ये हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की बुद्धि है, उसमें परमेश्वर का मन है, उसमें परमेश्वर का प्राण है, उसमें परमेश्वर की शक्ति है। हम जो भी कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं, चाहे हम अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, क्या उसमें परमेश्वर का मन है? परमेश्वर का मन हमारे रिश्तों को निभाने में कामयाब साथ दे रहा है? परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का स्वभाव, आप लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से और अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है 100%। कुछ परसेंटेज नहीं,
99.9% भी नहीं। ये पहली आज्ञा है नए नियम की जो यीशु मसीह ने हमें बताई। हालेलुया। तो हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि परमेश्वर के अनुसार हम ठीक हैं, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार हम ठीक हैं ये काम जो कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम कैसे जाने, कई बार हम लोग विस्मय में पड़ जाते हैं कि मैं जो ये काम कर रहा हूं सही है कि नहीं सही है। आप जांच सकते हैं अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की बुद्धि है कि नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं है। क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु हमारे जीवन का कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू उसकी धार्मिकता की खोज करेगा तो तुझे यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तू क्या खाएगा, तू क्या पहनेगा, तू क्या पिएगा। नहीं, यह उसकी धार्मिकता का एक पहला कदम है, उसकी धार्मिकता की ओर यह आधार है कि हम पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करें। और रिश्ते परमेश्वर के बाद हैं, और रिश्ते सब बाद में हैं। हालेलुया। इसलिए हमें ये रोज जांचना है कि हम आज जो काम कर रहे हैं वो परमेश्वर के अनुसार है कि नहीं है। हम अपने अपने जहां हम खड़े हैं, जहां हम रोज खड़े होते हैं परीक्षा में, जहां हम रोज खड़े होते हैं दौराए पर कि ये इधर जाऊं ये करूं वो करूं, उसमें आप देखिए अगर यीशु खड़ा होता तो कैसा होता, तो वो क्या करता। हालेलुया। आप 3.5 साल की सेविका यीशु मसीह की देखिए, 33.5 साल का जीवन देखिए यीशु मसीह का। यीशु मसीह कई परीक्षाओं से गुजरा, कई सताव सहे, अपोजिशन सही, अपनों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसका आनंद नहीं खोया, उसने अपना आनंद नहीं खोने दिया, क्योंकि वो जुड़ा रहा, परमेश्वर से जुड़ा रहा, अपने पिता से जुड़ा रहा। ये आज्ञा हमें परमेश्वर से जोड़ती है। मरकुस 12:30 की जो आज्ञा है वो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। जब हम अपने हर काम को परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार, प्राण के अनुसार और शक्ति के अनुसार करते हैं, हम जुड़ जाते हैं। और जब तक हम जुड़े रहेंगे मेरे भाई मेरी बहन, जितनी मजबूती के संग हम जुड़ेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में उतना ही प्रभाव डालेगी। हमें सिर्फ यह सोचना है कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बस। और हमें कुछ नहीं सोचना, संसार में हम क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में अपने आप, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, अगर आप इस आज्ञा को पूरे मन से निभाएंगे संसार में भी आपकी उन्नति होगी। आप सही तरीके से अपनी नौकरी कर पाएंगे, आप सही तरीके से अपना धंधा कर पाएंगे, अगर ये आज्ञा आप पूरे अपने मन से निभाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये आज्ञा आपको समझ में आई। आमीन। अपने जीवन में परमेश्वर को आधार बनाइए, यीशु को केंद्र बिंदु बना लीजिए अपना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मरियम के जीवन से दिया है, मरियम के जीवन से। हम इस वचन को समझेंगे और देखेंगे, देखिए ध्यान से। हालेलुया। मैं आपके सामने 3 वचनों को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका 7:36-48 मैं आपके लिए पढ़ता हूं जल्दी से। इसमें मरियम मगदलीनी जो है वो, प्रेज द लॉर्ड, सब तैयार है? हालेलुया। हां के ना? प्रेज द लॉर्ड। समर्पित करिए अपने मन को, मैं बता रहा हूं।
आज का वचन आपका जीवन बदलेगा। समर्पित मन से इस वचन को स्वीकार करिए। हालेलुया। मरियम मगदलीनी आप सब जानते हैं, एक वैश्या के रूप में वो थी, उसका इंट्रोडक्शन एक वैश्या के रूप में हुआ। यीशु ने उसको चेला नहीं बनाया, ना वो यीशु मसीह की चेला थी। उसने सिर्फ यीशु के द्वारा क्षमा को स्वीकार किया। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि आपको यीशु के द्वारा जो क्षमा मिली है, आप उसको कितना स्वीकार करते हैं, आप उसको कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे देखते हैं कि मुझको यीशु से क्या मिला है। जिस तरीके से आप अपनी चंगाई को देखते हैं कि अरे यार मेरे कान खुल गए, मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरी एड्स ठीक हो गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, दुष्टात्माएं मेरे अंदर से निकल गईं, उसी तरीके से क्या आप देखते हैं कि यीशु की ओर से जो आपको क्षमा मिली उसने आपको क्या दिया। आमीन। आप सबको क्षमा मिली है कि नहीं मिली है? आमीन। अगर आपको यीशु से क्षमा मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं? मरियम मगदलीनी ने देखा, उसने सिर्फ एक ही चीज देखी, उसने सिर्फ एक ही चीज को महसूस किया कि मुझे यीशु से क्षमा मिली है, मैं आजाद हुई हूं, मैं पापों से मुक्त हो गई हूं। हालेलुया। अब मुझ में कोई पाप नहीं रहा, मैं नई सृष्टि में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी एक ही सोच थी कि मैं एक नई सृष्टि में हूं, मैं अब पापिन नहीं हूं, पाप मुझसे निकल चुका है, यीशु की धार्मिकता मेरे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से अपनी क्षमा को स्वीकार करेंगे कि यस, यीशु के लहू से मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका हूं, अब मुझ में कोई गलत भावना नहीं है, अब मुझ में कोई घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, कठोरता नहीं है, मैं पवित्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूरी तरीके से शुद्ध हूं, कोई गंदी आदत मुझ में नहीं रही है। आमीन। जिस दिन आप इस चीजों को स्वीकार कर लेंगे, कोई गलत विचार भी आपके अंदर नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन से आप अपनी क्षमा को स्वीकार कर लेंगे, अपनी पवित्रता को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, आप यीशु को पहचानने लग जाएंगे, आप यीशु की भलाई को देखने लग जाएंगे। आपको यीशु की भलाई तब पता चलेगी जब आप अपने आप को जांचेंगे कि आप पहले क्या थे और आज मैं कहां हूं। तब आप यीशु के प्रेम को, तब आप यीशु की भलाई को आराम से समझने लग जाएंगे। और जिस दिन आपने यीशु के प्रेम को, यीशु की भलाई को अपने जीवन में आना देख लिया ना, आते हुए देख लिया ना, आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता। आप कैसी भी, कितनी भी बड़ी परीक्षा में क्यों ना हो, आपके अंदर से यीशु का आनंद कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने यीशु के प्रेम को देखना शुरू कर दिया है, आपने यीशु की भलाई को देखना शुरू कर दिया है। उसकी भलाई क्या है, मैं आपको बताऊं, हम लोग यीशु की भलाई को सीमित कर देते हैं, हम उसकी कृपा को सीमित कर देते हैं, उसके प्रेम को हम सीमित कर देते हैं, हम बहुत थोड़ा मांगते हैं, मेरा सर का दर्द ठीक हो जाए प्रभु दया कर, हम सीमित कर देते हैं अपनी छोटी सी चंगाई के लिए उसके प्रेम को। उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम अथाह है। हालेलुया। हम जो सोच नहीं सकते वो हमारे लिए कर रहा है। आप सोच नहीं सकते कि वो आपके लिए क्या सोच रहा है,
जो आंखों ने नहीं देखा है, जो आपके चित में नहीं समाया है, वो प्रभु आपके लिए अपने प्रेम करने वालों के लिए कर रहा है। आमेन। पहला कुरिन्थियन 2:9, जिन आंखों ने आपने वो चीज सोची भी नहीं है, देखी भी नहीं है, आपके चित्त में नहीं समाई है। पढ़िए बेटा पहला कुरिन्थियन 2:9 जल्दी से। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमेन। जो प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से कब प्रेम करेंगे? जब आप अपनी आजादी को महसूस करेंगे। आपको पता आपको कौन प्यार करने नहीं देता है? पूरी तरीके से आप परमेश्वर से क्यों नहीं प्यार कर पा रहे हैं पता आपको? आप पूरी तरीके से परमेश्वर से क्यों नहीं प्यार कर पा रहे हैं पता आपको? क्योंकि आप पूरी तरीके से आपने उस आजादी को महसूस नहीं किया जो परमेश्वर ने आपको दी है। क्योंकि आपने पूरी तरीके से उस क्षमा को महसूस नहीं किया जो परमेश्वर आपको दे चुका है। आप अभी भी सोचते हैं कि आपके अंदर पाप है। आप अभी भी सोचते हैं कि आपके अंदर अभी भी घृणा है, अभी भी नफरत है, अभी भी व्यभिचार है, और इसीलिए आप वो कर भी रहे, क्योंकि आप समझते हैं कि मैं आजाद नहीं हूं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने सिर्फ सत्य का नाम सुना है यीशु मसीह, उसको जानने के लिए मन नहीं लगाया, क्योंकि आप उस प्रेम को नहीं जान पा रहे, उसके प्यार को नहीं जान पा रहे, उसकी भलाई को नहीं जान पा रहे। रोमियो 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ही उसकी सारी योजनाएं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें भलाई ही उत्पन्न करती हैं। कैसे? क्योंकि आप जब अपने आप को पहचानने लगेंगे, जब आप अपनी पवित्रता को जो परमेश्वर ने आपको दी है मुफ्त में, जब आप उस आजादी को देखने लगेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है मुफ्त में, जब आप उस नई सृष्टि में आ जाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है मुफ्त में और हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का स्वभाव उसने आपको दिया है, आपकी स्वतंत्रता जो पापों पे थी, आप घुसे हुए थे, आप द्वंद में थे, आप षड्यंत्र में थे, आप दलदल में थे। क्योंकि शैतान जो है वो आपके अंदर अधर्म लेकर आता है। आपका अधर्म पता क्या है? आपका अधर्म क्या है? पूरी तरीके से विश्वास न करना, यह आपका अधर्म है। आप समझ रहे हैं, एक मसीह होने के बाद अगर आप संपूर्ण तरीके से प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो आप पाप करते हैं। इब्रानियों 1:9 निकालिए। आपका अधर्म क्या है पता है? जब आप पर प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, और उसके बाद जब आप संदेह करते हैं तो आप अधर्म करते हैं, आप पाप करते हैं। आपने किससे मांगा है आपको पता है? उस परवरदिगार से, उस परमेश्वर से जो सृष्टि करता है, जो रचयिता है, जिसने ब्रह्मांड को रचाया है, आप उस पर संदेह करते हैं। उसको आपने सीमित कर दिया है। आपका अधर्म पता क्या है? आपका पाप क्या है? एक मसीह का पाप क्या है पता है? आप चिंता करते हैं कि मुझे रोटी कहां से मिलेगी, मुझे कपड़ा कहां से मिलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर आप इन 3 चीजों की चिंता करते हैं तो आप पाप करते हैं।
क्योंकि ये उसकी आज्ञा है। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या कपड़े पहनोगे, इसकी चिंता मत करो। नहीं चाहता है परमेश्वर कि आप इसके लिए प्रार्थना करें। अरे आज मुझे कल मेरे घर में रोटी होगी, मैं प्रार्थना करूंगा। बाइबल में लिखा है कल की चिंता मत कर, उसकी आज्ञा है। मती 6:34। मैं आपका बॉस जहां पर आप 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 रुपए लेते हैं, अगर आपका बॉस बोल दे कि यह काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और आप अगर नहीं करेंगे तो आप उस ऑफिस में टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। यू हैव टू डू बिकॉज बॉस ने कहा है। आपका परमेश्वर जो आपका बॉस है, जो आपका पिता है, वो बोल रहा है कल की चिंता मत कर, कल की चिंता मत कर, वो बोल रहा है। और सब लोग करते हैं, क्यों नहीं भरोसा करते? क्योंकि आपने अपनी क्षमा को स्वीकार नहीं किया है, आपने अभी तक परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया। आप चर्च जरूर आते हैं, आप बाइबल में कभी बाइबल भी कभी कभार पढ़ लेते हैं, आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आप रोज बोलते हैं, लेकिन आपने यह स्वीकार नहीं किया है कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूं। आईने के सामने खड़े होकर बोलिए कि मैं पवित्र हूं, मैं किसी भी बंधन में नहीं हूं, मैं आजाद हूं, यीशु मसीह के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं। कभी आईने के सामने खड़े होकर बोलिए कि मैं यीशु का मंदिर हूं, मैं यीशु का मंदिर हूं। अपनी पहचान बना लीजिए, कोई आपसे पूछे आपका नाम क्या है, मैं यीशु का मंदिर हूं। लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, लेकिन वो यीशु, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप यीशु के मंदिर हैं, लेकिन वो यीशु जिसने सृष्टि की रचना की है वो आपके अंदर रहता है। Amen. Amen. Praise the Lord. इब्रानियों 1:9 का कहता है, कभी आपने यीशु मसीह को दुखी देखा? एक बार वो जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला का सर काट दिया था तो वो कुछ पल के लिए दुखी हो गए थे और गलील चले गए थे। हालेलुया। देखिए क्या कहता है, पहला इब्रानियों 1:9, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। हालेलुया। आगे, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आमेन। तूने धर्म से प्रेम किया है, धार्मिकता से प्रेम किया है, अधर्म से बैर किया है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने, क्या लिखा है, दो बार परमेश्वर का नाम आया है, उसलिए परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों की बजाय, तेरे पिता की बजाय, तेरी मां की बजाय, तेरे भाइयों की बजाय, तेरे दोस्तों की बजाय हर्ष से तेरा अभिषेक किया है। इसका मतलब समझते हैं, हर्ष माने क्या होता है, आनंद। आनंद से तेरा अभिषेक किया है, सदा तेरे साथ आनंद रहेगा, सदा। आप सोचिए कितना बड़ा आशीष है अगर प्रभु आपसे कहे कि आप सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आप किसी बात से डरेंगे? आपको आनंद का आशीष मिला है। यीशु मसीह सदा आनंदित थे, लोग थूक रहे थे, आनंदित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस कह रहा था कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं, पिलातुस तू भी रखा गया है। हालेलुया। आमेन। यीशु का आनंद हमेशा बना रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा है। आपका अधर्म मैंने बताया, विश्वास ना करना आपका अधर्म है, चिंता करना आपका अधर्म है। बिल्कुल एक पल की भी चिंता मत करिए,
एक पल की भी चिंता मत करिए। आपको देने वाला परमेश्वर है, मांगिए और धन्यवाद दीजिए। अगर परमेश्वर ये समझेगा कि ये चीज आपको मिलनी चाहिए तो इमीडिएट मिल जाएगी, और अगर वो नहीं दे रहा है तो समझिए कि परमेश्वर की कोई और योजना है। आमेन। परमेश्वर से वाद विवाद मत करिए, वो जानता है आपको क्या चाहिए, वो जानता है। उसी ने आपको एक परिवार में जन्म दिया है, जिस परिवार में आप, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बंधु हैं, उसने आपको ठहराया, आपने नहीं बुला लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मरियम मगदलीनी ने अपनी क्षमा को स्वीकार कर लिया था, वो आजाद हो गई थी। यस, मुझ में से 7 दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं, वो पाप निकल गया मुझ में से जो मुझे गलत काम करने के लिए उकसाता था। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत आशीषित हूं। एक समय था जब मैं बॉलीवुड में था और मैं ड्रिंक करता था, और उस समय मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए मैं ड्रिंक नहीं छोड़ सकता, मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे अंदर से पाप निकाला और मैं महसूस करता हूं कि मैं इतना आनंदित हूं कि जहां 4 लोग बैठते हैं ड्रिंक के लिए, मैं वहां से खड़ा भी नहीं होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे उसकी स्मेल भी बुरी लगती है, इतना मैं शुद्ध हो चुका हूं, इतना मैं पवित्र हो चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये किसने किया? परमेश्वर ने। आप महसूस करिए उस क्षमा को, मैं सच कह रहा हूं ये आनंद आप भी पाएंगे। मेरी तरह, मरियम मगदलीनी की तरह आप सदा आनंदित रहेंगे अगर आप महसूस करेंगे कि आप शुद्ध किए जा चुके हैं। मैं पवित्र हूं, अपने आप से बोलिए मैं पवित्र हूं, आते जाते अपने आप से बताइए मैं पवित्र हूं, मैं मंदिर हूं, मुझे मेरी परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से क्षमा किया है। कोई भी गलत बात आपके मन में नहीं आना चाहिए, कोई भी कठोरता की बात आ रही हटाओ, नहीं नहीं, किसी की निंदा की बात आ रही है नहीं नहीं, क्योंकि वो जो निंदा है, वो जो कठोरता है, वो जो जलन है, वो जो घमंड है, वो जो व्यभिचार है, वो आपको फिर बंधन में ला देगा। और अभी अभी परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, तो मुझे किसी बंधन में नहीं रहना है। प्रेज द लॉर्ड। यहां मरियम मगदलीनी जिसको माफ किया गया था, हालेलुया, वो आज क्या कह रही है? वो शमौन कनानी के घर पे आती है जहां पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, जहां पर यीशु मसीह को बुलाया गया है खाने के लिए, उसकी सेवा के लिए, और उसने देखा कि ये यीशु मसीह है। उसको माफी के बाद ये पहला वक्त था जब उसने शमौन कनानी के घर देखा। शमौन कनानी जानता था कि मरियम मगदलीनी एक वैश्या है। शमौन कनानी जानता था कि मरियम मगदलीनी एक वैश्या है, और मरियम मगदलीनी घमंड से, गर्व से अपने आप को मंदिर ठहराते हुए, अपनी पवित्रता को जांचते हुए वो यीशु मसीह के पास गई। और यहां पर लिखा हुआ है, हालेलुया, देखिए बहुत अच्छा वचन है, फिर किसी एक फारसी ने उससे विनती की कि वो उसके पास साथ भोजन करे। अतः वो उस फारसी के घर जाकर भोजन करने बैठा, और देखो उस नगर में एक स्त्री थी जो पापिन थी, और जब उसने जाना कि वो फारसी के घर में भोजन करने बैठा है, तो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पैरों के पीछे खड़े होकर रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी, और अपने सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछने और चूमते हुए उन पर इत्र मलने लगी। तब उस फारसी ने, जिसने यीशु मसीह को आमंत्रित किया था, यह सब देखकर अपने मन में कहा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान लेता कि वो स्त्री जो उसे छू रही है कौन है, वो कैसी है, अर्थात वो तो एक पापिन है। यीशु ने उससे कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने उत्तर दिया कि हे गुरु, कहे। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 दिनार का कर्ज था और दूसरे पर 50 का। जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका अधिक प्रेम, अधिक क्षमा किया गया है। उसने उससे कहा, तूने उचित ही कहा है। फिर उस स्त्री की ओर पलटकर उसने शमौन से कहा कि क्या तू उस स्त्री को देखता है?
मैं तेरे घर में आया और पर तूने मेरे लिए तूने मेरे पैरों को धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों को इत्र से मला है। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया है, पर वो जिसके थोड़े थे अपराध क्षमा किए गए वो थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जोर से तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें बताता है कि जैसे ही मरियम मगदलीनी ने महसूस किया, वो उसके अंदर कोई भी गलत विचार नहीं आ रहा है, उसके अंदर कहीं भी कोई पाप नहीं है, उसके अंदर पवित्रता है। उसने एक शक्ति का अनुभव किया, अंदरूनी शक्ति, अपने आत्मा की शक्ति को उसने महसूस किया कि मैं आत्मा में बल प्राप्त कर रही हूं, मेरी आत्मा जिंदा हो गई है। जिस दिन उसने महसूस किया, जिस पल उसने महसूस किया, और अपना सब कुछ बेचकर 300 दिनार की बोतल इत्र की लेकर अपने प्रभु के पास गई। हालेलुया, अपने प्रभु के पास गई मांगने के लिए नहीं, देने के लिए। आमेन। कि हम कभी ऐसी स्थिति में आते हैं कि आज प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ए प्रभु मैं आपको अपना जीवन देना चाहता हूं, ए प्रभु मैं अपना समय देना चाहता हूं, ए प्रभु मैं अपना धन देना चाहता हूं आज तुझे। कभी हम ऐसी स्थिति में ऐसे मन से आते हैं प्रभु के पास? हालेलुया। कभी हम ऐसी स्थिति में आते हैं? वो आई अपने 300 दिनार की बोतल लेकर और रोती रही। हालेलुया। क्या उसके रोने में क्या था? उसके रोने में धन्यवाद था कि मेरे प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे आजाद किया है, तूने मुझे आजाद किया है उस पाप से, तूने मुझे आजाद किया है उस गलत विचार से। प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके अंदर का गलत विचार आपको बंधन में बांध देता है। यीशु ने आपके अंदर के गलत विचार को धोया है। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अपने अंदर गलत विचार आने मत दीजिए। अगर गलत विचार आए तो उसको इमीडिएट यीशु मसीह के नाम से गुलाम बना दीजिए। आपके पास वो अधिकार है, नहीं चाहिए मुझे गलत विचार, इस गलत विचार ने मुझे बांधा हुआ था, इस गलत विचार ने मुझे पाप में ठहरा दिया था, अब मुझे अंदर कोई गलत विचार नहीं आएगा। नहीं, मेरे अंदर प्रभु रहेगा, मेरे अंदर उसकी धार्मिकता रहेगी। अहम का, घमंड का, नफरत का कोई विचार नहीं, नहीं नहीं नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मरियम मगदलीनी ने, अब देखिए आप, शमौन जानता है कि ये वैश्या थी। दुनिया आपको नहीं पहचान रही है, दुनिया आपकी आजादी को नहीं समझेगी, दुनिया नहीं समझेगी, आपका पति नहीं समझेगा, आपकी पत्नी नहीं समझेगा कि आप आजाद हो चुके हैं, आपके बच्चे नहीं समझेंगे कि आप आजाद हो चुके हैं, लेकिन आप, प्रभु जानता है कि आप आजाद हो गए हैं। हालेलुया, आमेन। शमौन उसको देख रहा था एक वैश्या की दृष्टि से कि एक वैश्या है, और यीशु देख रहा था उसको पवित्रता की दृष्टि से। मैं ये औरत जिसने मेरे पैरों को छुआ, जिसने मेरे पैरों को चूमा, जिसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु उसके धन्यवाद को समझ रहा था, यीशु उसके प्यार को समझ रहा था। प्रेज द लॉर्ड, यही यीशु हमसे जानना चाहता है, यही यीशु आज हमसे चाहता है कि हम उससे ऐसा प्रेम करें कि वो महसूस करे हमारे प्रेम को। क्या आप नहीं चाहते कि मेरा प्रेम प्रभु आप महसूस करें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, सबसे ज्यादा मैं आपसे प्रेम करता हूं, अपने पूरे मन से, अपने पूरी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी शक्ति से मैं आपसे प्रेम करता हूं। आमेन। इस औरत ने बताया अपने पूरे धन से, वहां पर लोग कह रहे हैं, कह रहे इतनी बड़ी, इतनी महंगा इत्र की बोतल कौन देता है?
उसके चेले कह रहे हैं 300 दिनार कितने गरीबों को खाना दिया जा सकता है। लेकिन जिस दिन आप यीशु की भलाई को अपने मन में देखना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन आप यीशु के प्रेम को अपने अंदर देखना शुरू कर देंगे ना, आपके लिए पैसों की कोई कीमत नहीं होगी। आपके अंदर उसकी पैसों की आपके अंदर कीमत होगी, मैं सेवा करूं बस, मैं कैसे इसका धन्यवाद करूं, मैं कैसे यीशु का धन्यवाद करूं, मैं कैसे यीशु मसीह को दूं, मेरा जो कुछ भी धरती पर है वो प्रभु का है, मेरा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर दिया देखिए, देखिए मैं आपको करेक्टर बता रहा हूं मरियम मग्दलीनी का। आपने यहां देखा इत्र की बोतल लेके आई। दूसरा देखिए मरकुस, मरकुस 16:1-3, मरकुस 16:1-3। जब सप्त व्यतीत हो गया तो मरियम मग्दलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोने ने मसाले मोल लिए के आकर उस पर मले, और सप्त के पहले दिन सुबह सुबह सर्वो सूर्य उदय होते ही वे कब्र पर आई। वे आपस में कह रही थी कि कौन हमारे लिए कब्र के पत्थर से कब्र के द्वार से पत्थर को हटाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये दूसरी बार था। तीसरी बार जब मरियम मग्दलीनी, यीशु मसीह मर गया है, वो कब्र में है, लेकिन इसके मन में जो प्रेम है वो कम नहीं है। हालेलुया, पिलातुस के लिए, दूसरे लोगों के लिए, चेलों के लिए यीशु मर चुका है, लेकिन उसके लिए यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर वो अपने मसाले लेकर जाती है सुबह सुबह कि मैं अपने प्रभु के शरीर पर मलूंगी। देने जा रही है, मांगने नहीं जा रही है कि प्रभु तो मर गया अब जाते जाते मुझे ये आशीष दे दे, नहीं, वो देने जा रही है। वो पापन जिसका धंधा बंद हो गया, उसका धंधा था वैश्यवृत्ति, जैसे ही उसने क्षमा को स्वीकार किया उसका धंधा बंद, उसकी पवित्रता उसके हाथ में थी। आप सोचिए वो कैसे गुजारती होगी अपने जीवन को, कैसे गुजारती होगी। आमीन। आपके अनुसार उसे मांगना चाहिए ना कि प्रभु अब देखो आपने मुझे शुद्ध कर दिया है, अभी मेरे पास कोई धंधा भी नहीं है कमाने का, कोई तो काम दिलवाओ। आप इतने फारिसियों से मिलते हैं, इतने लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग, कोई तो मुझे धंधा दिलाओ, किसी घर में काम कर सकूं, कहीं कर सकूं। उसकी एक ही डिमांड थी, उसकी एक ही इच्छा थी, मैं कैसे अपने यीशु की सेवा करूं, मैं कैसे यीशु की सेवा करूं। हालेलुया। 8:1-3 हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं और आपको बताने वाला हूं। हालेलुया। 8:1-3 देखिए, ये तीसरी बार है, ये थर्ड टाइम है। इसके शीघ्र ही पश्चात ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और सुसमाचार सुनाते हुए नगर नगर और गांव गांव जाने लगे। वे 12 भी उसके साथ रहते थे, और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं और रोगों से चंगी हो गई थी साथ चली, जिनमें मरियम जो मग्दलीनी कहलाती थी, जिनमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस की भंडारी भुजा की पत्नी योअन्ना और सुनन्ना थी, बहुत सी अन्य स्त्रियां थी, वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हेलो, यही खत्म नहीं होती है कहानी। मरियम मग्दलीनी, उसको यह नहीं था कि मैं चेला बनूं, वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। फिर एक बार देने का आशीष, देने का कि मैं कुछ दूं, मैं कुछ करूं अपने ही प्रभु के बारे में, क्योंकि प्रभु ने मुझे आजाद किया है। ये भावना आपके अंदर तभी आ सकती है कि मैं जीवन में कुछ करूं, जब आप महसूस करेंगे कि मैं आजाद हो चुका हूं। अगर आपके अंदर यह भावना नहीं आती है कि मैं अपने यीशु के लिए कुछ करूं, तो अभी तक आप आजाद नहीं हुए, आप पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुए, आपकी शुद्धता रुकी हुई है, क्योंकि आपने पूरी तरीके से उस सत्य को जाना नहीं है, नहीं जाना है। इसलिए अभी भी आपके अंदर संसार, अभी भी आप रोक रहे हैं, अभी भी आप कैलकुलेटिव वे में प्रेम कर रहे हैं। कैलकुलेटिव, इतना मैं संसार को, इतना भाई कलीसिया में इतना ही टाइम दे सकता हूं, प्रभु में इतना ही समय,
क्योंकि मेरा घर भी है, मेरा परिवार भी, मेरा धंधा भी, मेरी नौकरी भी है. दिस इज द टाइम संडे, ओके, ये दो चार घंटे किसी. दिस इज ए कैलकुलेटिव प्यार. दिस इज ए कैलकुलेटिव प्यार. ये आजकल ज्यादा बढ़ गया है. इससे हमारा काम भी चलता रहेगा, प्रभु के साथ में भी रहेंगे, और चर्च को भी पता चलेगा कि हम प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं. हालेलुया. कैलकुलेटिव प्यार, इसका मतलब आप उसके प्यार को, उसने जो आपको क्षमा दी है, आपने पूरी तरीके से स्वीकारा नहीं है. मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपने उसके प्यार को, उसकी क्षमा को स्वीकार कर लिया है, आप रुक ही नहीं सकते. जैसे मरियम मगदलीनी रुक नहीं पा रही थी, वो दे रही थी, वो शमौन के घर पे आई देने के लिए, वो यीशु के कब्र के सामने मसाले मोल लेकर गई देने के लिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अब देखिए यूहन्ना 20 में, देखिए यूहन्ना 20, देखिए मैं आपको कहता हूं, मरने के बाद वो जाती है यूहन्ना 20 में. परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही, और रोते हुए उसने झुककर कब्र में झांका. जब यीशु का शव रखा हुआ था, जहां यीशु का शव रखा हुआ था, वहां पर उसने दो स्वर्गदूतों को उजले वस्त्र पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा. उन्होंने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, किसने कहा? मरियम ने उससे कहा, इसलिए कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहां रखा है. हालेलुया. दुनिया के लिए यीशु मर गया था, लेकिन मरियम मगदलीनी के लिए वो अभी भी प्रभु था. आमेन. दुनिया के लिए वो, यीशु के लिए, मरियम के लिए वो अभी भी प्रभु था. उसे प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरा, मैंने इससे और कुछ लेना है, नहीं, मेरा ये काम यीशु से करवा लूं, मेरा ये काम करवा लूं. नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे माफ कर दिया, यही बहुत है. मैं पापों से शुद्ध हो गया हूं, यही बहुत है. आमेन. आपकी नौकरी, आपका धंधा आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगी, आपकी शुद्धता आपको स्वर्ग लेकर जाएगा. इसलिए धन्यवाद कि मैं शुद्ध हूं. बोलिए धन्यवाद कि मैं शुद्ध हूं. धन्यवाद कि मैं यीशु का मंदिर हूं. मैं कह रहा हूं, मेरी बहन, मेरी बहन, इसको अंदर बांट लीजिए. रोज बोलिए, आपकी शुद्धता आपको नजर आनी चाहिए. प्रेज द लॉर्ड. मरियम मगदलीनी की तरह बन जाइए. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु आपसे कुछ, हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते. हालेलुया. हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी बैंक, हमारा बैंक बैलेंस, हम प्रभु कुछ नहीं दे सकते. हम दे सकते हैं तो सिर्फ अपनी सेवा, मन से, मन से हम उसके हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए. मैं सच कह रहा हूं, नथिंग ही वॉन्ट्स, कुछ नहीं चाहिए उसे. वो सब ये सिर्फ ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि आप उसकी जो दी हुई क्षमा को समझ गए हैं. आमेन. वो सिर्फ आपको, आपसे ये पूछना चाहता है, सिर्फ आपको ये समझना चाहता है कि क्या आप उसकी दी हुई क्षमा को समझ गए हैं? क्या उसके दिए हुए प्यार को समझ गए आप? सिर्फ वो इतना जानना चाहता है. आपको पता है, इब्राहिम को तीसरी बार इब्राहिम की परीक्षा की उसने. उत्पत्ति 22 पहले वचन में अगर हम पढ़ेंगे, उस समय इब्राहिम तकरीबन 130-135 साल का था. इब्राहिम, उत्पत्ति 22 में इब्राहिम एक बच्चे का बाप था, इसाक, जो बच्चा तकरीबन 32 साल का था, 33 साल का था इसाक. और इब्राहिम अपने परमेश्वर, अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था. प्रेज़ द लॉर्ड. उत्पत्ति 22 निकालिए, उसका पहला वचन आप पढ़िए. इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम. उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ. आमेन. यानी कि ये परीक्षा तीसरी बार की इब्राहिम की परमेश्वर ने. पहली 50 साल पहले की थी, जब इब्राहिम से कहा था, अपने घर से वापस आ, अपने माँ बाप को, अपने सके संबंधियों को छोड़कर
क्या तू मेरे पीछे चलेगा, क्या तू मुझे प्रभु मानेगा। 50 साल पहले उत्पत्ति 12 में अगर आप देखेंगे, जब वो 75 साल का था, तकरीबन 50 साल पहले इब्राहिम के परमेश्वर ने परीक्षा की थी और वो उस परीक्षा में पास हो गया था। परमेश्वर ने बुलाया और आ गया, चलिए मैं जा रहा हूं सर, प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बार 50 साल पहले परीक्षा की थी। फिर अध्याय 13 में जब लूत और इब्राहिम का झगड़ा हुआ उसके चरवाहों का, वहां भी परीक्षा की परमेश्वर ने, और वहां भी परमेश्वर ने इब्राहिम को देखा कि वो पास हो गया। इब्राहिम ने लूत से कहा कि ये जमीन सारी तेरी पड़ी है, जो तू ले जाए, जो तुझे पसंद है वो ले ले, जो बच जाएगी वो मैं ले लूंगा। परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम के अंदर मेरा स्वभाव था। कैसे पास हुआ? क्योंकि इब्राहिम के अंदर जो स्वभाव था वो परमेश्वर का था, कि तू ले ले इसे, तू खुश होता है लेने में, ले जा, मेरे पास जो बच जाएगा वो मैं ले लूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो बचा हुआ था उस पर आशीष दी। हालेलुया। आमेन। लूत को आशीष नहीं मिली, इब्राहिम को आशीष मिली, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चला। हम अगर परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलेंगे, हमारी आशीष पक्की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा परीक्षा परमेश्वर ने इब्राहिम से की उत्पत्ति 22 में, जब उसने कहा कि ये जो बेटा है इसाक, जिससे तू प्यार करता है, जो तेरा अपना निज पुत्र है, इसको तू बलि कर, इसकी बलि कर। और कहां कर? मौरिया पर्वत पर। 3 दिन की यात्रा है। उसने इमीडिएट नहीं किया, उसने ऐसा नहीं कहा कि अभी कर, नहीं। क्या होता है, कई मसीह भावनाओं में बहकर काम करते हैं। कई मसीह हैं, आप भावनाओं में आएंगे और जाएंगे, और बड़े बड़े आजकल फिजूल के जो आजकल गलत हैं, ये कि जो दान दशांश के नाम पर चूड़ियाँ उतरवा लेते हैं, गहना उतरवा लेते हैं, और भावनाओं में इंसान उतार देता है। गलत है, दैट इज़ रॉन्ग, जो आजकल कर रहे हैं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी खैर, परमेश्वर न्याय करेगा। तो भावनाओं में ना बहना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि अगर आप उसके लिए कोई बलिदान कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, सोच समझ के करिए। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि 3 दिन की यात्रा है, वहां पर मौर्य पर्वत पर जाओ और वहां जाकर बलि कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां बलि कर, ये तीसरा बार था। आप सोचिए, 2 बार परमेश्वर परीक्षा कर चुका है, ये तीसरा बार, क्योंकि परमेश्वर जानना चाहता है कि उसके अंदर मेरे लिए प्रेम है या अपने बच्चे के लिए प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जानना चाहता है कि जो परमेश्वर ने आपको क्षमा दी है वो किस स्तर पर आपने स्वीकार किए, कैसे परमेश्वर को आपने स्वीकार किया है, क्या दर्जा देते हैं आप परमेश्वर को अपने जीवन में। सिर्फ कहने भर से नहीं होता कि परमेश्वर मेरा निगेवान। हम आराधना में बोलते हैं परमेश्वर महान है, परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर सब कुछ, परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। गाते अच्छा है, लेकिन जब करने का काम आता तो पीछे हट जाते हैं। यह आराधना नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 22 का 5 में पहली बार आराधना शब्द आया। पढ़िए बेटा, उत्पत्ति 22 का 5। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यहाँ यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हिंदी में दंडवत है, लेकिन अंग्रेजी में आराधना लिखा है, वर्शिप लिखा हुआ है, कि मैं और ये लड़का। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इब्राहिम ने वर्शिप करने के लिए इसहाक को लड़का कहा, बेटा नहीं कहा। हालेलुया। क्यों कहा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये लड़का ही उसकी आराधना बनने वाला है। आमेन। जब वो मौरिया पर्वत पर गया अपने बेटे को लेकर, उससे वेदी चढ़ाई, और जैसे ही वो छुरा उठाकर मारने लगा, परमेश्वर ने कहा, नहीं रुक जा। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरी आराधना करने के लिए आया हूं, ये तेरी आज्ञाओं को पूरा करना ही मेरी आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने जो कहा है उसके अनुसार जीना ही मेरी आराधना है। आपकी आराधना क्या है? जो परमेश्वर ने कहा उसके द्वारा जीवन जीना, संसार को अपने अंदर से निकाल कर आत्मिक तौर पर परमेश्वर का हो जाना, यह सच्ची आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
क्योंकि इब्राहिम ने महसूस कर लिया था कि वो पूरी तरीके से परमेश्वर का हो चुका है। परमेश्वर ने उसके अंदर जांचा कि वो मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर कब आएगा? जब आपके अंदर से पूरी अशुद्धता निकल जाएगी, जब आपके अंदर से पाप निकल जाएगा, पूरी तरीके से आप आजाद हो जाएंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। वही प्रेम परमेश्वर का इब्राहिम के साथ आया था और वही प्रेम मरियम मगदलीनी के अंदर था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जब जब यीशु से मिली उसने कहा मैं देती हूँ, उसने दिया, अपना जीवन दिया। उसके पास कुछ नहीं था, वो देती थी। जब आपके पास परमेश्वर का प्रेम होगा, जब आप अपनी क्षमा को स्वीकार कर लेंगे, जब आप अपनी पवित्रता को महसूस करने लगेंगे, आप मांगेंगे नहीं मेरे भाई, आप देने लगेंगे। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप मुझे गलत समझे कि मैं दान दशांश की बात कर रहा हूं। आप दे देंगे अपना जीवन। आप में एक बोझ होगा कि मैं अपना जीवन प्रभु के लिए दूं, जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मुझे पवित्रता दी है, जिसने मुझे अद्भुत आशीष दिया है, जिसने मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। आज का वचन आपको अच्छा लगा? हाँ के ना? प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूँ, जो सुन रहे हैं यूट्यूब में, परमेश्वर उनको आशीष दीजिए, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और समझ, परमेश्वर मांगता हूँ ताकि ये वचन अच्छी तरह आप समझ सकें और दूसरों को शेयर करिए, दूसरों को सब्सक्राइब करिए मेरे भाई मेरी बहन, ताकि दुनिया और जाने प्रभु को और आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।